वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं टीम मैडवेंचर पहुंच गई है कराची शहर में। कराची शहर की जब हम बात करते हैं तो साथ ही जहन में आता है समंदर, जो कि ऑब्वियसली वहाँ की वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस है। लेकिन जब हम समंदर की बात करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि नॉर्मली समंदर में लोग वॉक कर रहे हैं, सिर्फ जहाँ तक शैलो वाटर है वहाँ तक जाकर तो अपनी इंजॉयमेंट ले रहे हैं, कोई ऊँट की सैर कर रहा है। बट ट्रस्ट मी, जो समंदर है और उसके एडवेंचर्स, देयर इज़ अ लॉट मोर टू इट देन जस्ट कैमल राइडिंग एंड जस्ट वॉकिंग ऑन द बीच। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग एडवेंचर्स थ्रिलिंग एपिसोड ऑफ मैडवेंचर, जिसमें हम आप लोगों को दिखाएंगे एग्जैक्टली कि समंदर में आप कैसी वो एडवेंचरस और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे आप एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम ले सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। Ladies and gentlemen, I'm Ahmad Mir and this is Madventure. Woo! जहाँ तक नज़र जा रही है सिर्फ ये खूबसूरत समंदर और उसकी लहरों में हम खेलते हुए अपनी मंजिल तक जा रहे हैं। और मंजिल की बात जब कर रहे हैं तो आप लोगों के साथ शेयर करूं कि अगर आप लोग देख सकते हैं वो दूर वहाँ पर तकरीबन समझ लें कि कोई 20 से 25 मिनट की ये बोट राइड है जो कि हमने स्टार्ट की है मुबारक बीच से। तो जो इंटरेस्टेड टूरिस्ट हैं उनको बताता चलूँ कि व्हेन यू आर इन कराची यू हैव टू लुक फॉर मुबारक बीच। मुबारक बीच से हम इस बोट के ऊपर बैठे हैं और ये बोट हमें लेके जाएगी चरना आइलैंड पे। सो मेरी नज़र में इफ़ यू इन कराची एंड फ्रॉम टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, मुबारक बीच एंड चरना आइलैंड की जो राइड है और फिर वहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं, वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं ये कराची की। एंड आप देख सकते हैं कि जो इस समंदर की जो कशिश है, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। मतलब ये समंदर की जो लहरें हैं ये चिल्ला भी रही हैं, ये शोर भी मचा रही हैं और उसी शोर में जो है आपको मज़ा इसका जो है वो मिल रहा है। यही मज़ा है इस बोट राइड का। एंड इट इज़ डेंजरस, इट इज़ थ्रिलिंग एंड इट इज़ एडवेंचरस। ये एक एक्सपीरियंस है। इन थ्रिलिंग वेव्स को क्रॉस करते हुए हम पहुंच रहे हैं अपनी मंजिल तक, ये भी एक एक्सपीरियंस है। और अपनी मंजिल पर पहुँच के जो कि चरना आइलैंड है, वहाँ पर जाके जो हमने स्कूबा एक्टिविटीज़ करनी है तो देखते हैं और ऐसे क्या एडवेंचर्स हैं जो हमें रास्ते में मिलेंगे। फ़िलहाल तो हम इन वेव्स को एंजॉय कर रहे हैं, मौजे मार रहे हैं, किलिंग द वेव्स। हमारा सफ़र जो है टुवर्ड्स चरना आइलैंड ऑलमोस्ट हाफ हो गया है, शायद उससे भी ज़्यादा। बट आप लोगों को बताता चलूँ जो आज हमने एक्टिविटीज़ करनी है, जिसके अंदर स्कूबा होगी, जिसके अंदर स्नॉर्कलिंग होगी और डीप सी डाइविंग होगी। ऑब्वियसली इस इन्वायरमेंट में हम बड़े सेफ़ तरीके से करेंगे ताकि अपने टूरिस्ट को, जो इंटरेस्टेड टूरिस्ट हैं उनको बता सके कि जो भी यहाँ पर आना चाहते हैं उनको एक बड़ा सेफ़ और बड़ा वेल इंस्ट्रक्टेड और वेल गाइडेड जो है वो इन्वायरमेंट मिलेगा। और उसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए आज हमारी बड़ी ज़बरदस्त सी टीम भी हमारे साथ है। तो अभी आपको उनसे भी मिलवाते हैं और उनके साथ भी गपशप करते हैं ताकि वो मज़ीद हमें एक्सप्लेन कर सकें कि क्या एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, किस तरह करेंगे, और आप लोगों को भी तसल्ली दे सकें कि किस तरह से सेफ़ इन्वायरमेंट में हर चीज़ ये हम इंश्योर करेंगे। सर वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? A1 सर। इमरान इज़ आवर सीनियर इंस्ट्रक्टर अलॉन्ग विद दिस अमेजिंग टीम, जो कि आज ये इंश्योर करेंगे कि ये तमाम एक्टिविटीज़ हम एक बड़ी सेफ़ इन्वायरमेंट में करें और उसको इन्जॉय भी कर सकें। सो सर इमरान, उनके अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं दे आर एब्सोल्युटली वेरी ऑनरेबल एंड वेरी वास्ट। तो हम चाहेंगे कि वो खुद अपना तारुफ कराएँ और आप लोगों को बता सकें ताकि आप लोगों को भी एश्योरिटी हो सके कि ये तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कराने के लिए और जो उनकी टीम है वो कितनी एक्सपीरियंस है, जो कि मेक श्योर करती है कि सब चीज़ें सेफ़ इन्वायरमेंट में हो सकें, तो और ताकि बिगिनर्स भी इसको इन्जॉय कर सकें और हर तरह के जो लोग हैं इसमें, इस टूरिस्ट, इस एडवेंचरस एक्टिविटी में जो है वो हिस्सा ले सकें। सर प्लीज़ ओवर टू यू। आप लोगों ने एक बड़ा यूनिक किस्म के एडवेंचर के अंदर अपनी टीम और अपना टाइम निकाला, अपने आप लोग आए हैं और आपके तवज्जो से मैं आपके ऑडियंस को कि ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो एक्टिविटी है, आई होप जो हम अभी एक्सप्लेन करेंगे आप इंजॉय करेंगे, और उसके अलावा आप ज़रूर मोटिवेट होकर ज़रूर हमें मौका देंगे कि आप लोग भी इस वाटरबोर्न एक्टिविटीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। नाउ कमिंग ओवर टू योर क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताता हूँ। अलहमदिल्ला आई सर्व इन पाकिस्तान नेवी फॉर ऑलमोस्ट 28 ईयर्स। वन ऑफ माई क्वालिफिकेशन इज़ अंडर वाटर डाइविंग और I qualified from the only formal diving institute in Pakistan, that is Pakistan Navy Diving School. You can see on my cap also that wow. reflects the same. In addition to that, alhamdulillah, I had the honor to be training officer at Pakistan Navy Diving School for over 4.5 years. That is absolutely amazing, and it is now our honor, sir, to be here with you and experiencing this experience of a lifetime with you. Thank you very much. उसके अलावा जो मेरी टीम है जिनका मैं आपके साथ अभी तारुफ कराऊँगा, विच इंक्लूड्स अ प्लेटफॉर्म अ कंपनी एक्वा डाइविंग सर्विसेज, जो कि मेरे स्कूल के सीनियर हैं। ही इंसेप्टेड दैट 2 decades बैक। ही इज़ अ प्रोफेशनल कमर्शियल डाइवर और उनका जो एक्सपीरियंस है इज़ नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि इन मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका ऑल्सो। तो मेरे साथ बैठे हैं तस्लीम भाई, ये आपको अपना इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह कि खुद कराएंगे। इन एडिशन टू दैट हमारे पास एक डाइविंग टीम है जिसमें क्वालिफाइड डाइवर्स हैं, जो कि कमर्शियल डाइवर्स हैं हैविंग एक्सपीरियंस और रिक्रिएशनल डाइविंग ऑल्सो। तो ये हमारी टीम है और हमारा आज का कुछ प्लान है जो हम इंशाल्लाह ताला आपके साथ अभी अनफोल्ड करते जाएंगे। तो वी रियली एक्साइटेड और सर से हमें बात करके जो ऑब्वियसली श्योरिटी भी होगी एंड वी नो यू नो वी आर इन द सेफ हैंड्स, एंड उसके साथ साथ जो एक्सपीरियंस जब आपको पता हो, जब आपको डर वाला एलिमेंट अपने अंदर से निकाल दें तो तभी मज़ा है इस एक्टिविटी को एंजॉय करने का। और आई थिंक डर के साथ तो शायद आप कर भी ना पाएँ एंजॉय। तो वही आप लोगों के साथ आज वो सारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। एज अ बिगिनर बन के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि किस तरह से अगर डर है तो उसमें क्या होगा, अगर आप डर निकाल दें किस तरह से इंजॉय करेंगे, क्या एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं, क्या एक्सट्रीम्स हैं, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, क्या बाउंड्रीज हैं, ये तमाम चीज़ें आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग। राइड नहीं बोलूँगा मैं, डाइव बोलूँगा। सो लेट्स डू दिस। सर, इसकी जो खूबसूरती है इस समंदर की, ऑब्वियसली वन हैज़ टू बी हेयर ताकि वो उसको एक्सपीरियंस कर सके। पर हमारी कोशिश है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको हम बता सकें कि हाउ ब्यूटीफुल दिस इज़। और अक्सर औकात हम मतलब लोकल्स ही जो हैं हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो आउट ऑफ पाकिस्तान ये खूबसूरती ढूंढ रहे होते हैं, एंड देन वी गोइंग थ्रू लॉट ऑफ हैसल, लॉट ऑफ एफर्ट एंड लॉट ऑफ मनी टू जस्ट व्यू कुछ ऐसी चीज़ें जो कि शायद पाकिस्तान में ज़्यादा खूबसूरत हैं। True. तो ऐसा आप इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें कि आप बता सकें कि ऐसी वो क्या चीज़ें हैं कि हमारी जो टूरिज़म इंडस्ट्री है जो इस पोटेंशियल को यूज़ कर सकती है, और फिर जो ऑलरेडी चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो लोगों तक भी पहुँचाई जाए कि कुछ तो हो रहा है, तो वो लोगों को अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि यार चलो ये तो हो रहा है, एटलीस्ट आप ये चीज़ आके एक्सपीरियंस करें। मैं ये कहूँगा कि आपने बड़ा ही पर्टिनेंट पॉइंट रेस किया इस वक्त, क्योंकि हमारा अगर आप कल्चर और सोसाइटी देखें आजकल के ज़माने में, तो व्हाट आई फील एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल आल्सो फील कि हम लोग वी आर एंटरटेनमेंट स्टाफ, एंड द रीज़न इज़ एक तो हमारा एक्सेस नहीं है, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा वो कल्चर डेवलप नहीं है। एग्जैक्टली अच्छा, अब बिलोंगिंग टू नेवी एंड ऑल्सो बाई बर्थ द कराची आइलैंड हैविंग दिस वाटर एफिनिटी, तो मैं हमेशा ये फील करता था कि जो हमारा कॉमन एक लोगों का ट्रेंड है और टूरिज्म स्पेशली इट इज़ अप नॉर्थ माउंटेन्स and all that bus. Halanki Pakistan is blessed with over approximately 1000 kilometers coastline. Wow. Aur jo ke from east to west it's very diverse. Agar aap eastern side pe dekhenge to uske bilkul different dynamics hai, creek areas hai. West pe aayenge to it is rock, there are mountains. Beautiful. So it is very diverse and very attractive. Pani ko enjoy kare. Right. इन एडिशन टू दैट आप पानी के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिसमें एक आप आज करेंगे यू विल गो सबसी। आप पानी के नीचे जाएंगे। एग्जैक्टली ये दिस इज़ नॉट समथिंग स्मॉल, आप यू आर एक्सप्लोरिंग नेचर एंड सो ईजिली व्हाट यू हैड टू डू जस्ट ड्राइव रीच टेक अ बोट एंड कम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोगों को ये नो-हाउ नहीं है, पानी से मैं कहूँगा कि शायद मोहब्बत नहीं है, पानी से डरते हैं। और कुछ अवेयरनेस भी सर आई बिलीव के शायद आई बिलीव कम है, बिकॉज लास्ट टाइम जैसा मैं पर्सनली मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैंने अपने पर्सनल ब्लॉग के ऊपर ये एक्सपीरियंस शेयर किया बिकॉज ये मैं पहले कर चुका हूँ। तो पीपल वर अमेज्ड कि यार अच्छा ये भी होता है, वेयर इज़ दिस। कुछ लोगों का सवाल कि आप आउट ऑफ पाकिस्तान कब गए या इस तरह की चीज़ें, तो वो मतलब कुछ हद तक अवेयरनेस भी शायद नहीं है। फिर यहाँ पे आई हैव टू अप्रिशिएट यू एज अ टीम एंड योर चैनल एज अ होल। थैंक यू। फिर आपके चैनल का तो लोगो ही डिस्कवर पाकिस्तान है, और मैं नॉट आप अल्हम्दुलिल्लाह आई फील ब्लेस्ड आई एम पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। अदरवाइज मैं ऑडियंस को भी ये बताना चाहूँगा कि आई एम फॉलोअर ऑफ योर चैनल। ऑलमोस्ट चैनल के जरिए पाकिस्तान को मैंने घर बैठ के एक्सप्लोर किया है। उसके साथ साथ जो जगह आपने मुझे दिखाई है, दे आर इन माय टू डू लिस्ट नाउ। इंशाल्लाह मुझे भी नहीं पता था कि मेरे शहर के पास कितनी जगह है। आई सर्व्ड इन बलोचिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे वहाँ की बहुत सारी चीज़ें आपके चैनल से पता चल रहा है। तो आप जैसे खिदमत कर रहे हैं, अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, और इंडिविजुअली और कलेक्टिवली अगर हम सब करेंगे तो ये बेहतर होगा। तो सर जस्ट टू कंक्लूड दिस एंड हम पहुंचने वाले हैं, तो एक और चीज़ व्यूअर्स के लिए जो कि सोच रहे होंगे कि यार हम इस वक्त मुबारक बीच से हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया एंड इस वक्त हम ये समंदर के जो है वो लहरों से जो है वो लड़ते झगड़ते हुए जा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। बट स्टिल व्हाई आर वी डूइंग दिस एक्टिविटी ओवर हियर सर? बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन 2-3 मेजर रीजन है। अब चूँकि थोड़ा बहुत कराची में पाकिस्तान में लोग डाइविंग से अवेयर हो रहे हैं, तो चुरना जो आइलैंड है ये एक आइकन बन गया है। A lot of people don't know, but they want to come and dive at Churna. It is a name. 2, diving के लिए you need to go down and you want to see. उसके लिए आपको visibility अच्छी चाहिए होती है। Yes. तो ये rocky bottom जहाँ पर होता है, देखिए sandy bottom होता है बाज़ जगह पे, बाज़ जगह पे plantations होती हैं bottom में, बाज़ जगह पे rock। जहाँ पे rock होती है naturally it has the best underwater visibility. So ये जो जगह है ये पाकिस्तान की कोस्ट के कल उन जगहों में से है जिनका रॉकी बॉटम है, क्लोज टू द सी, ब्यूटीफुल कोरल रीफ्स। एग्जैक्टली। अमेजिंग कॉन्वर्सेशन विद सर इमरान, और उनके जो एक्सपीरियंस है अभी उसका तो हम मज़ा लेंगे, और उसके साथ साथ अपना एक्सपीरियंस भी जो है वो दोबारा करेंगे। और सर के साथ ये डिस्कशन करके जो हाइप है वो एकदम से बढ़ गई है, तो आप लोग भी जो है कहीं जाइएगा मत, और मिलके जो है हम एक्सप्लोर करेंगे अंडर वाटर इस खूबसूरत समंदर को, और उसके नीचे जो एडवेंचर्स और जो ब्यूटीफुल मरीन लाइफ मिलेगी वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स डू दिस। जो बोट राइड है फ्रॉम मुबारक बीच टू चुरना आइलैंड वो ख़त्म होती है, और हम एक बड़ा एप्रोप्रिएट किस्म का जो पॉइंट है वो ढूंढ के तो रुक चुके हैं, और ये हमारा एंकर पॉइंट बनेगा एंड इसी को अब हम जो है वो एंकर करने लगे हैं। सो हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स बिगिन द एडवेंचर, लेट्स गो। So we've reached finally, और while our experts prepare, तो मुझसे तो resist नहीं हो रहा, तो मैं तो ज़रा water को test करने जा रहा हूँ and I'm just gonna warm up. सर अगर आपकी इजाज़त हो। Perfect, go ahead. Let's go, let's go. The testing is done. Now it's time. मैं कूदने का याद है क्या? ये वार्म अप भी जरूरी था। And I think for beginners, क्योंकि normally वो लोग जिनको swimming आती भी है, इस समंदर में आके ऑब्वियसली जब वेव्स होती हैं तो घबरा जाते हैं। सो दोज पीपल हु नो हाउ टू स्विम विदाउट अ लाइफ जैकेट, तो वो मेरा मशवरा होगा कि इस तरह खराशें ना लगवाएं और डाइव करें राइट इन द वाटर, और जो डर है उसको स्ट्रेट अवे निकाल दें, ताकि फिर जो बाकी आने वाली एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कोई ऐसा डर जो है वो आपके अंदर ना आ रहा है। एंड दोज ऑफ यू हू डोंट नो हाउ टू स्विम, ऑब्वियसली यू विल बी प्रोवाइडेड विद लाइफ जैकेट्स एंड हम इस वक्त बगैर लाइफ जैकेट की ही अपनी एक्टिविटीज़ को कमेंस करेंगे। वार्म अप इज डन, अमेजिंग वाटर, रियली लव द फील ऑफ द वाटर एंड आई थिंक इट्स नाउ टाइम कि हम अपनी पहली एक्टिविटी है जो है वो स्टार्ट करें। एंड नाउ वी कैन गो ओवर टू आवर एक्सपर्ट्स और उनसे फिर थोड़ी गपशप करते हैं कि क्या हम करने लगे हैं, किस तरह से करेंगे, क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, और फिर फ़ौरन आपको करके दिखाएंगे। तो मैंने बेसिक लेवल पे वाटर को टेस्ट कर लिया है, बट नाउ इट्स टाइम फॉर आवर एक्सपर्ट्स और जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं फॉर द डे, वो हमें मज़ीद गाइड करें और वो खुद टेस्ट भी करेंगे वाटर को। बट उससे पहले सारी जो सेफ्टी गाइडलाइंस हैं और जो एक्टिविटी हमने करनी है और उसके साथ जो अपरेटस यूज़ होगा, इक्विपमेंट यूज़ होगा, उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है इस वक्त हमारे एक्सपर्ट हैं अभी हमारे साथ शेयर करेंगे। सर, प्लान हमारा ये है कि अभी ना हम पेयर्स में डाइव करेंगे। राइट, हमारे पास दो हमारे डाइवर्स रेडी हुए हुए हैं, थर्ड हमारे डाइवर हमारे पास स्टैंड बाय हैं। राइट, और हमारे आज के सुपरवाइजर हैं तस्लीम भाई, जो कि क्या हाल है, मास्टर डाइवर हैं। ये भी आपको अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे और आप दोनों जाएंगे डाइव पे एंड एक्सप्लोर। ये हमें इक्विपमेंट के बारे में बताएंगे, कुछ मेजर बातें कि हाउ ये इज प्लान कि हम आज कैसे डाइव करेंगे। डन हो गया तस्लीम भाई जी। Actually today we will use three different type of scuba diving. Number one we can say that normal scuba diving. Okay. Second we will use the agamas with the scuba diving, and right. Third with the AMB. Right. This is first time we are going to introduce in Karachi. अच्छा, that is amazing. Scuba में जो है वो normally face mask use करते हैं. Right. तो आगा मास्क में ये है कि with breathing जो है वो आपको free मिलेगा. वो पूरा face cover हो जाता है. Face cover हो जाता है. और KMB में भी यही है. ठीक है, इसमें भी आपको जो है ना वो ब्रीथिंग करने में इजी। तो ये हम कह सकते हैं कि बिगिनर्स के लिए या जिन्होंने ज्यादा डीप सी डाइविंग नहीं करनी शायद उनके शैलो वाटर के लिए बेहतर है। प्रोफेशनल्स हैं वो ट्रेडिशनल स्कूबा अपरेटस यूज करके करेंगे। बेसिकली ये जो केएमबी है ये कमर्शियल यूज करते हैं हम। राइट, फॉर डीप वाटर। कमर्शियल में ये है कि हम शिपिंग इंडस्ट्रीज को डाइविंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पावर प्लांट्स को जी, रिपेयर मेंटेनेंस, अंडर वाटर वेल्डिंग, अंडर वाटर कटिंग। राइट, और सर्टिफिकेशन चाहिए होता है इंश्योरेंस के लिए, तो वो फाइनल ऑप्टिक्स केबल्स के काम आते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड आई एम ग्लैड कि हमें आज ये सब चीज़ें ट्राई करने को मिलेंगी और उन सबका फीडबैक आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो तस्लीम भाई नो डाउट के बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं इस फील्ड के अंदर। तो तस्लीम भाई थोड़ा अपने ज़रा एक्सपीरियंस के बारे में एलैबोरेट करेंगे, कब से आप ये कर रहे हैं? एक्चुअली 1985 से मैं कमर्शियल डाइविंग में इन्वॉल्व हूं। लॉट ऑफ टाइम, बड़ा ही वाइड एक्सपीरियंस है। मतलब मेरे तो इस वक्त जो थोड़ा बहुत डर भी था वो एक तो डाइव मार के, और दूसरा जो मेरे साथ एक्सपीरियंस आज एक्सपर्ट्स खड़े हैं उनके साथ इस वक्त खड़े होकर जो है मेरा डर तो चला गया। एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी जब आएंगे और आप लोग जब इरादा करेंगे ये चीज़ करने का, तो आई एम श्योर कि आप लोगों को भी मकसद ये है आप लोगों को बताने का कि ताकि आप लोगों को भी श्योरिटी मिल सके कि यू विल बी सेफ, यू विल बी इन सेफ हैंड्स इंशाल्लाह। और बड़ी सेफ इन्वायरमेंट में हम ये चीज़ करेंगे, विच इज़ वाई ये सब लोग इधर यहाँ पर मौजूद हैं और विच इज़ वाई जो हमारे इस वक्त ड्राइवर्स ऑन स्टैंड बाय हैं वो इस वक्त पानी के अंदर जाने लगे हैं और वाटर्स को एक्सपर्ट लेवल पे और डीप लेवल पे टेस्ट करके आएंगे। एंड देन द शो विल बिगिन। अंडर वाटर जितना खूबसूरत दिखता है खूबसूरत ऑब्जेक्ट्स जो है वो अक्सर स्पेशली जो कोरल रीफ्स हैं देयर वेरी शार्प, और वो हल्का सा टच भी जो है उन पे वो आपको कट सकता है। जिस वाई सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये जरूरत है, इट्स पार्ट ऑफ फूड कल्चर। I'm in my suit और ये भी part of safety measures है. So just gonna get comfortable with the suit क्योंकि इसकी एक अपनी fitting है और I think पानी में जाने के बाद थोड़ा सा मैं और relax feel करूँ, which is exactly what I am going through now. So again just getting comfortable, acclimatize कर रहा हूँ अपने आप को, and this is something that you can also do for you start doing scuba. तो उससे पहले ये वो सारी tips and tricks हैं जो आप use कर सकते हैं for beginners, and that will obviously help you overcome that fear. So here we go. तकरीबन मेरा जो इक्विपमेंट है, अपरेटस है, वो रेडी हो चुका है. इमरान सर इज़ राइट हेयर विद मी एंड आई एम ऑनर्ड कि इमरान सर इज़ गोइंग टू डाइव विद मी, एंड सो वो सारा फियर जो है वो ख़त्म हो चुका है. एंड थोड़ा सा एक्लाइमेटाइज करूँगा अपने आप को, जो कि ज़रूरी है फॉर बिगिनर्स के जो अपरेटस है, ब्रीदिंग अपरेटस है, उससे ज़रा एक्लाइमेटाइज हो, बिकॉज नाक से आपकी ब्रीदिंग नहीं होगी. वंस यू अंडर वाटर नाक से ब्रीदिंग नहीं होगी. So ये कवर कर लिया है इस मास्क ने मेरी नाक को. सो इट्स जस्ट लाइक यू कैन इमेजिन लाइक आप अपनी नाक को पकड़ें और सिर्फ मुंह से सांस लें. तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट जो हमारा एयर टैंक है ऑब्वियसली दैट इज़ गोना हेल्प अस विद दैट, और वो भी ऑलमोस्ट रेडी है. एंड वी आर जस्ट मोमेंट्स अवे बिफोर वी डाइव अंडर वाटर और नीचे की खूबसूरती, समंदर की, पाकिस्तान की जो खूबसूरती है वो आप लोगों के साथ शेयर करें अंडर वाटर. वी जस्ट मोमेंट्स अवे, हैंग इन देयर, लेट्स गो. Finally the moment is here. Sir Imran has already dived और अब मैं उनके पीछे डाइव करूँगा और सारे अपने जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं और सारे स्टेप्स लेते हुए, और अभी आप लोगों को वन बाय वन दिखाएंगे. सबसे पहले मैं अपने आप को क्लाइमेटाइज करूँगा. सो हियर वी गो. प्लैनेट अर्थ तकरीबन 70% पानी से कवर्ड है, और अगर इसका थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस ना किया तो वी आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट इन लाइफ. जब आप ज़मीन के नीचे पानी की इस दुनिया में आते हैं तो अलग ही मखलूक, रंग और खूबसूरती देखने को मिलती है। कुदरत का ये ऐसा निज़ाम है कि ज़मीन के नीचे पानी में ऐसी दुनिया बसाई और इंसान को इस काबिल बनाया कि वो इसको करीब से महसूस कर सके और देख सके। What an amazing and thrilling experience of scuba diving, और तकरीबन कोई more than 5 meters we were down there and I believe good 10 meters almost, and what an amazing one of its kind experience being so close to the marine life was absolutely thrilling. It was beautiful, mesmerizing, and मेरी कोशिश थी कि मैं अपने आप को जितना कंफर्टेबल कर सकूं अंडर वाटर और मुंह से सांस लेने में, वो मैं करूं, एंड आई थिंक आई वाज सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। और उसके साथ साथ आई ट्राई टू स्पेंड एज मच टाइम एज आई कैन। देखिए, जब आप अपना डर निकाल लेते हैं अपने अंदर से तो फिर आप भूल जाते हैं कि सांस, बीच में टाइम था जब मैं भूल चुका था कि जो ब्रीदिंग है वो एक्चुअली आई एम डूइंग इट विद माय माउथ एंड विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स। और जब आप वो चीज़ भूल जाएँ तो तभी सही मज़ा आता है उसको एंजॉय करने का। दैट इज़ एक्जैक्टली हाउ आई वाज एंजॉयिंग इट। और हमने तरह तरह की जो फिशेज़ हैं वो देखी हैं, डिफरेंट टाइप्स की, छोटी बड़ी हर तरह की। सो फेल्ट लाइक अ मूवी, फेल्ट लाइक एनिमेशन जो मेरे सामने चल रही है, एंड इट वाज अनरियल। वी शुड फील सो लकी एंड ब्लेस्ड कि पाकिस्तान में हमारे पास ये फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, हम कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, नॉट एवरी कंट्री इन दिस वर्ल्ड इज़ ब्लेस्ड विद सच फैसिलिटीज़ एंड जियोग्राफिकल पोटेंशियल जो हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई थिंक वी शुड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। जो फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं, द टूरिज़म एडमिनिस्ट्रेशन, टूरिज़म डिपार्टमेंट्स शुड ऑल्सो मेक द मोस्ट आउट ऑफ द पोटेंशियल। जितनी पोटेंशियल है हमारे इन एरियाज़ में उससे खास इस्तेमाल किया है। एनी वे, स्कूबा डाइविंग की मैंने विद माई पार्टनर्स, विद माई इंस्ट्रक्टर्स, एक्सपर्ट्स जो मेरे साथ थे, आप लोग देख सकते थे। बड़ा ही सेफ इन्वायरमेंट था, कोई ऐसा नहीं हुआ। हमने साइन लैंग्वेज की मदद से जो है नीचे कम्युनिकेशन की है। इस तरह के साइन बनाने का मतलब है कि ओके है, एंड इफ यू गोइंग डाउन थम्स डाउन, कमिंग अप, ये बेसिक कम्युनिकेशन है जो आपको भी बताई जाएगी जब आप स्कूबा कर रहे हो। और ऑब्वियसली क्योंकि आप म्यूट हो जाते हैं, यू कांट टॉक, सो देयर इज़ ओनली साइन लैंग्वेज जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से अंडर वाटर, जो कि बड़ी ज़रूरी है। और स्पेशली इफ यू डाइविंग विद अ पार्टनर तो ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर के साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर सकें। एंड आई थिंक एक बड़ा सक्सेसफुल ये हमारा मिशन आप इसे कह लें। उसके बाद हमने जो है वो हार्पून अंडर वाटर उसको भी चलाने की अटैम्प्ट की, जो कि नॉर्मली जो डाइवर्स होते हैं फॉर हंटिंग यूज़ करते हैं, नॉट हेयर, बट वैसे एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको हमने करके दिखाई और वो भी बड़ी सक्सेसफुल रही। सो ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। बी फ्रेंड्स विद द वाटर, एंजॉय द वाटर। जिस तरह से आप पहाड़ों की ऊंचाइयों में ऑन द प्लेन स्काई डाइविंग होगी, इस तरह की चीज़ें आप पहाड़ों पे करते हैं, ऊंचाइयों पे करते हैं, ज़मीन के नीचे अंडर वाटर, ये एक अलग दुनिया है। तो इसका मज़ा लेना भी उतना ही ज़रूरी है, उसको इन्जॉय करना भी उतना ज़रूरी है। एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव दिस इन पाकिस्तान, and I feel so glad to bring this forward to you guys to discover this and I'm sure कि हमारे इस छोटे से effort से आप लोग जो है inspire होंगे और definitely यहाँ पर आएंगे ये activities करने जो हमने की हैं और हो सकता है आपको इससे ज़्यादा चीज़ें करने का मौका मिले and there's a lot more to do in the sea rather than just walking on the beach other than camel rides वो सब चीज़ें तो सब कर लेते हैं बट जो असल एडवेंचर का मज़ा है वो अंडर वाटर में। काफ़ी देर तक आई थिंक मैं अंडर वाटर रहा हूँ एंड ये मेरे हाथों से आपको अंदाज़ा हो सकता है फिशरमैन हैंड्स हो गए और अमेजिंग एक्सपीरियंस एब्सोल्युटली वन ऑफ इट्स काइंड और स्टिल कांट गेट ओवर इट। बहुत खूबसूरत मेस्मराइजिंग एंड वन ऑफ इट्स काइंड। यू नीड टू ट्राई इट, यू मस्ट, ट्रस्ट मी गाइस। आई हाईली सजेस्ट, आई हाईली रिकमेंड कि यहाँ पर आएँ और अपने खौफ डर हर चीज़ से छोड़ कर इन्जॉय करें, इन्जॉय करें। सम थिंग्स आर लार्जर देन लाइफ एंड दिस वाज वन ऑफ दोज़ थिंग्स। इन्जॉय। अब माशाल्लाह डाइविंग का हमारा एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गई। आपने लगता है बिरयानी भी आफ्टर दिस मतलब क्या कहते हैं काफ़ी फिजिकल इसके अंदर जो है वो फिटनेस रिक्वायर्ड है और काफ़ी एनर्जी एक्सर्ट करने के बाद आई थिंक ये एनर्जाइज करने वाला स्नैक तो बनता है। एग्जैक्टली। अच्छा होस्ट तो आप हैं प्रोग्राम के और इस एवेंट के सारे तो बट आई जस्ट फील कंपेयर्ड कि मैं आपसे पूछूँ सवाल करूँ ये कि ये आज का जो जिस दिन था और कैटेगोरिकली पानी एंड देन अंडर वाटर आप जो डाइव किया आपने हाउ डिड यू फील इट, हाउ वाज द एक्सपीरियंस और आप क्या रेट करेंगे इसको और अपनी ऑडियंस को क्या मैसेज देंगे अबाउट दिस एक्सपीरियंस? थैंक यू सो मच सर। फर्स्टली तो मैं बताता चलूँ कि एक्चुअल होस्ट जो इस इवेंट के थे वो आप ही थे बिकॉज आपकी मदद से, आपकी एक्सपर्ट टीम की मदद से हमने सेफली उस मिशन को एग्जीक्यूट किया और सेफली एग्जीक्यूट करने की वजह से हमने इसको भरपूर इन्जॉय किया। ये इस वक्त जितना हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं मैं चाहूँगा कि हमारी जो आवाम है उसको मेरा ये मैसेज होगा कि जो एक्टिविटीज़ हम इधर कर रहे हैं वो तमाम एक्टिविटीज़ आप लोगों के लिए मौजूद है यहाँ पर एंड इसके अलावा और बहुत कुछ है। मतलब अगर आपको स्कूबा में डर लग रहा है तो आप स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं, आप जो कि ज़रा अपर लेवल पे होती है वाटर की, यू डोंट नीड टू गो अंडर वाटर फॉर दैट। और या डाइविंग वगैरह हो गई। आई थिंक वी आर ऑन आवर वे बैक नाउ, वी आर ऑलमोस्ट बैक टू मुबारक बीच। सूरज ढल रहा है तो आई थिंक कुछ सूरज ढलते हुए भी जो ये अरेबियन सी की खूबसूरती है आई थिंक वो भी अलग है एंड आई बिलीव कि जिस टाइम पे सूरज बिल्कुल टॉप पे था उस वक्त इसकी खूबसूरती बिल्कुल अलग लग रही थी। तो अभी मैं चाहूँगा कि हम ज़रा अपनी ऑडियंस के साथ कुछ व्यूज़ शेयर करें खूबसूरत से कि सनसेट भी इधर कितना खूबसूरत है। सर ये पूरा एक पैकेज है कि आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आएँ मुबारक बीच और उसकी भी एक ड्राइव है तो पूरा आप मतलब यू गाइज कैन आप बस बुक करा सकते हैं, पूरा एक मतलब एक माहौल है आप जो बना के मुबारक बीच तक आए। मुबारक बीच के बाद फिर ये बोट राइड है उसका एक अलग एक्सपीरियंस है। सर ये ऑडियंस को बताना बड़ा आई थिंक ज़रूरी है कि हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू बुक दिस सर्विसेज, तो उसमें आप आई थिंक थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। पाकिस्तान में कराची में बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स हैं जो कि मरीन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को प्रमोट भी कर रहे हैं एंड दे आर वेरी वेल क्वालिफाइड और यू कैन गूगल इट नंबर वन। एंड इसका सिंपल तरीका ये है कि आप कराची से बड़ी बोट एक सूटेबल हायर कर सकते हैं जो आपको कराची की डेस्टिनेटी के अंदर मुख्तलिफ डाइविंग स्पॉट्स हैं वहाँ तक ले जा सकती है। नंबर वन। नंबर टू, आप कराची सिटी से ड्राइव कर सकते हैं टूवर्ड्स सर्टन पोर्शन ऑफ बलोचिस्तान। 2-4 स्पॉट्स हैं जहाँ पे आपको वहाँ बीच पे फैसिलिटीज अवेलेबल है, आपको छोटी बोट मिल जाएगी जो कि सूटेबली आपको डाइविंग स्पॉट तक ले जाएगी और उसके साथ आप फिर फर्दर डाइविंग कंटिन्यू कर सकते हैं। ये 2 तरीके होते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप खुद क्वालिफाई हो एज अ डाइवर, डाइविंग के साथ लिंक हो जाए फॉर अ परमानेंट टाइम फ्रेम एंड बी योर ओन मास्टर, बी योर ओन डाइवर, बी योर ओन इंस्ट्रक्टर। जब आपका दिल चाहे आपका अपना पर्सनल इक्विपमेंट हो, आपने डॉन किया उसको गाड़ी में डाला एंड ऑफ यू गो फॉर योर डाइविंग। सो देयर आर 2 चीज़। और मैं आपके प्रोग्राम की तरफ से एक बात और बताना चाहता हूँ कि डाइविंग ऑफ कोर्स इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर्स ऑफ वाटरबॉर्न एक्टिविटीज। आपने तो अभी सनसेट का हवाला दिया, आप कभी रात को समंदर में मून देखेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी अनदर ब्यूटी। सर ये एकदम आपने बोल के ना अभी इसको दिल कर रहा है कि रात किसी तरह इधर गुजार लें। अनफॉर्चुनेटली वी कांट, बट आपने एकदम जो पिक्चर पेंट कर दी है ना, इंशाल्लाह ब्यूटीफुल। और आई विल इंश्योर इंशाल्लाह ताला आपको मौका मिले, यू विद योर फैमिली विद योर फ्रेंड्स कैन हैव एन आउटस्टैंडिंग नाइट एक्सपीरियंस आउट एट सी, कि आप पूरी रात को फुल मून लाइट के अंदर एक व्यू अल्लाह ताला का दिया हुआ नेचर का एक्सपीरियंस करें। इट इज़ एक्चुअली समथिंग विद पीपल वुड रिमेंबर फॉर देयर लाइफ, बिकॉज ये इतना अनयूजुअल सीन होता है। और सर टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं वैसे एक आइडियाज दे रहा हूँ, जिसको अगर ये आइडिया समझ आ रहा है तो इन्वेस्टर जो है ऑन बोर्ड आ जाए। तो सर ये मतलब इस तरह जैसे हमने देखा क्रूजेस वगैरह होती हैं, याट्स वगैरह होती हैं, वैसे आई एम श्योर कराची में कुछ लेवल पे होता है, बट इस तरह और वो खूबसूरत सी हो नॉट इन पाकिस्तान, यू नो, रात को विद योर लव्ड वंस यू आर हैविंग अ डिनर। आपको एक छोटा सा और बताता हूं, अगर जस्ट टू व्हाई नॉट अ फ्लोट रेस्टोरेंट। आप मतलब दिस हैज बीन हैपनिंग इन पाकिस्तान। अब मैं आपको एक और आपको तवज्जुह से मैं आई जस्ट लाइक टू पुट इट अक्रॉस। आपको पता है आजकल थीम वेडिंग्स होती है, बिल्कुल, तो who knows you have a platform, you have a float wedding। अच्छा ये तो एक साइड हो गया। अब अगर आप कराची के वेस्टर्न साइड पे जाते जाए कराची से, तो जो हमारा बलूचिस्तान का कोस्ट है उसको अल्लाह ताला ने इतना डिफरेंट ब्यूटी दिया है, पहाड़ उसके साथ रॉक और उसके साथ पानी। तो इट्स सच अ ब्यूटीफुल सीनिक एक्सपीरियंस कि आप लोगों को, आप की तवज्जो से मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि अगर वो उस डायरेक्शन को भी एक्सप्लोर करें तो उनको एक बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट मिलेगा कराची के बाद। अगर आप ईस्ट में जाते हैं तो वहाँ एक बिल्कुल ही डिफरेंट एस्पेक्ट है, वहाँ क्रीक्स है हमारी, पानी जो है क्रीक्स होता है, मैंग्रोव का एरिया होता है जहाँ पे प्लांटेशन होती है और छोटे छोटे कनाल्स होते हैं। वो एक अल्लाह ताला की अलग कुदरत है। तो इन अ नटशेल पाकिस्तान कोस्ट has a lot to offer, so please explore and enjoy इंशाल्लाह। तो यही आई थिंक मैसेज था हमारा कलेक्टिवली टू द ऑडियंस, एंड उसके साथ आई थिंक विल टेक अ शॉर्ट ब्रीदर, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे और उसके साथ आप लोगों के साथ व्यूज शेयर करेंगे इस खूबसूरत अरेबियन सी के while we head on our way back, so stay tuned। खूबसूरत मंजर इस वक्त है, समंदर के ऊपर सूरज ढलता हुआ, साथ ये पानी की जो लहरें हैं जो ऑब्वियसली अब थोड़ी सी थम गई हैं, बट स्टिल इन थमी हुई लहरों में भी जो है वो अपना ही मज़ा है। और ख़ास तौर पे जब यू आर डन विद एक्टिविटीज़ और थोड़ा फिजिकली थक भी गए हैं, उसके बाद ये शाम और ये थमी हुई लहरें जो हैं वो मेरा ख्याल है सुकून का एक आलम, सुकून की निशानी है, जो इंडिकेट करती है कि यू आर डन विद योर डे, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग। यू आर फाइनली डन with our today's work and today's episode। बड़ा ही ज़बरदस्त यूनिक एक्सपीरियंस था। मैं सजेस्ट करता हूँ अपने तमाम पाकिस्तानी लोकल टूरिस्ट से, उनको अर्ज करता हूँ, उससे गुजारिश है कि प्लीज़ ये एक्सपीरियंस आके करें, और इसमें आपका ही फ़ायदा। ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको बहुत आसानी से पाकिस्तान में मिल सकता है। ये वही एक्सपीरियंस है जो बड़ी दुश्वारियों के बाद लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करके लेते हैं, वही सब चीज़ें आपको पाकिस्तान में मिल रही हैं, और इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। So that being said, we had an amazing time doing scuba diving, और हमने कुछ उसकी टेक्निक्स आप लोगों के साथ शेयर की, उसके साथ हमने कुछ उसके टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर किए। फिर अंडर वाटर का एक्सपीरियंस, मरीन लाइफ शेयर की, इधर हमने चुरना आइलैंड के पास जो हमारा सफ़र मुबारक बीच से स्टार्ट हुआ, और उसके साथ हमारी एक्सपर्ट टीम थी जिसमें इमरान साहब हमारे साथ थे और उनकी टीम थी, उन्होंने हमें गाइड किया। और साथ ही हम आप लोगों को गाइड भी कर चुके हैं कि अगर आप लोग ये एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो वो आपने किस तरह से लेना है। आपको पता ही है, हमने आज आपको करके भी दिखाया कि क्या चीज़ें जो आप कर सकते हैं, किस तरह सेफली कर सकते हैं, अपना डर खौफ निकाल के कैसे कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर, ये पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई तो इस एडवेंचर से इंस्पायर होगा और आप ये चीज़ ट्राई करेंगे। जब ट्राई करें तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और हमें भी याद रखिएगा। दैट बीइंग सेड, साइनिंग ऑफ, आई एम अहमद मीर, लेडीज एंड जेंटलमैन। And this is Madventure।